कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। NSTAT का जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था। मैंने कहा था, मैंने बताया था कि तीन बच्चे जो राणा एजुकेशन में एनरोल थे उन्होंने इस बार NSTAT क्वालिफाई किया है। उसमें से एक का रैंक जो था वो ऑल इंडिया रैंक 4 आया है उनका, है ना, और दो बच्चों ने हमारे टीचिंग एसोसिएट के लिए क्वालिफाई किया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिस्टर दर्श दिहानी, जिनका ऑल इंडिया रैंक 4 है गाइज, और आज हम उनसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं NSTAT के बारे में और राणा एजुकेशन की जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने इस कोर्स को ढूंढा, ज्वाइन किया एंड एवरीथिंग। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। NCHMCT JEE MSc JEE NSTAT नेट टूरिज्म नेट पेपर 1 और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की कोचिंग के लिए और उनसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर दर्श दिहानी, ऑल इंडिया रैंक 4 NSTAT क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ राणा एजुकेशन। ऑलराइट, तो गाइस आज हमारे साथ है मिस्टर दर्श दिहानी, जो कि हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे और जिन्होंने अभी अभी NSTAT एग्जाम क्वालिफाई किया है और उनको ऑल इंडिया रैंक 4 आया है। उन्होंने फर्स्ट बैच में हमारी क्लासेस लगाई थी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं दर्श जी से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा राणा एजुकेशन के साथ और पूरी उनकी स्टोरी सब कुछ हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दर्श जी, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपका ऑल इंडिया रैंक 4 आया है, एंड थैंक यू कि आपने हमारे इस वीडियो के लिए टाइम स्पेयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू राणा सर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर विद यू एंड फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर विद मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो अब हमारे, क्योंकि नया बैच हमारा शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो मैंने कहा, सोचा कि क्यों ना एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिन्होंने अभी अभी क्वालिफाई किया, उनके साथ एक सेशन किया जाए और उसी में सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो भी उनकी क्वेरीज नॉर्मली रहती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको ये प्लेटफॉर्म कैसे मिला एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट राणा एजुकेशन। सर मैं NSTAT की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा था, मतलब मैंने लास्ट ईयर भी दिया था जब पिछली बार हुआ था 2021 में, और उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, बट इस टाइम मैं तैयारी कर ही रहा था एंड व्हेन आई वाज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग वेयर आई कैन स्टडी फ्रॉम, क्योंकि कोई कोर्स ऐसा अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन इंटरनेट या फिर कहीं भी, तो यूट्यूब पर मैं सर्च कर रहा था तो मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला कि आप ये कोर्स ऑफर करते हैं और इस कोर्स के ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को NSTAT क्वालिफाई करने के लिए, तो वहां से मुझे राणा एजुकेशन के बारे में पता चला। वहां मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखी, आपने पूरा उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप चला सकते हैं, तो वहां से फिर मैं आपके साथ टच में आया। उसके बाद आपको पता ही है, फिर मैंने कोर्स एनरोल कर लिया था उसके बाद, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट फ्रॉम दैट ऐप ऑफ राणा एजुकेशन। ओके दर्श जी, तो सेकंड अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैसा इसमें कंटेंट है, जो हमारा जो NSTAT का जो कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं उसका कंटेंट आपको कैसा लगा, और जो लाइव क्लासेस होती हैं पूरा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये सब कुछ हमारा क्लासेस इसमें चलती हैं। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई गॉट एनरोल्ड तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द ऐप। उसमें इतना सारा कंटेंट अवेलेबल था, कुछ प्री रिकॉर्डेड लेसन्स भी थे और नोट्स अवेलेबल थे, कुछ MCQs, कुछ मॉक टेस्ट पहले से ही अवेलेबल थे, बट फिर मैं एक बैच में एनरोल हुआ जिसको NSTAT बैच नंबर 1 जिसको बोलते हैं, तो उसमें मैं एनरोल हो गया था और उस बैच में लाइव क्लासेस होती थी हर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, तो दिस वॉज वेरी नाइस फॉर मी क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मुझे दिन में टाइम नहीं रहता है, तो शाम को इट इज क्वाइट ईजी फॉर मी टू अटेंड द क्लासेस। क्लासेस मंडे से थर्सडे होती हैं और 1 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद हमको 15 मिनट्स का टाइम मिलता था मॉक टेस्ट के लिए, तो दैट वॉज वेरी मच नाइस फॉर मी बिकॉज जो भी हमने पढ़ा है उस 1 घंटे की क्लास में उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट होते थे, तो एक तरीके से ये भी था कि हमने जो पढ़ा है वो हम कि हमें याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और एक प्रैक्टिस हो जाती है बेसिकली। और 3 पेपर होते हैं बेसिकली NSTAT में, तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 बहुत ही इजी वे में हमें समझाया गया कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं,
एवरीथिंग वाज मेड वेरी क्लियर, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स थे जिन्होंने हमें इस बारे में बताया, जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी एनएसटेट क्वालिफाइड टीचर्स राणा एजुकेशन में है, जो हमें क्लियरली समझा रहे थे कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस ऐप में एनरोल हो रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे आपने कहा कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जैसे अगर कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता है फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से, तो इसमें एक फीचर और है कि जो भी क्लासेस होती है वो रिकॉर्ड होती है साथ के साथ, और वो आफ्टर क्लास वो उसी में अपलोड कर दी जाती है। तो अगर कोई बच्चा क्लास को मिस कर देता है तो उसको किसी भी टाइम बाद में वो देख सकता है। हाँ जी सर, यस. ऑल राइट दर्श जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मॉक टेस्ट के बारे में वैसे आपने बता ही दिया, तो मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस था, वो जो जैसे वो बनाए गए थे, डिजाइन किए गए थे, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि जो मॉक टेस्ट राणा एजुकेशन ने आपको दिए और अभी जो आपने एग्जाम दिया, तो उसमें कुछ आपको रेलिवेंसी या कुछ सिमिलरिटी दिखी तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं. सर, मॉक टेस्ट और जो मैंने अभी एग्जाम दिया था, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार का जो एनएसटेट था दैट वाज ऑन सीबीटी बेस्ड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जी उसमें हमें बेसिकली कंप्यूटर में क्लिक करना होता है और आंसर्स क्लिक बताने होते हैं, और वैसे ही पैटर्न में एग्जैक्टली उसी तरीके से जो हमारे एमसीक्यू, जो हमारे मॉक टेस्ट थे आपके ऐप में, वो बिल्कुल उसी पैटर्न के थे। तो इट वॉज क्वाइट इजी फॉर अस व्हेन वी वर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो मॉक टेस्ट में हमने प्रैक्टिस किया हुआ था, हमने देखा हुआ था। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके मॉक टेस्ट से, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट के एटलीस्ट मोर देन 500-600 क्वेश्चंस मैंने लगाए थे पहले से। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर हर एक सब्जेक्ट के मैं 600-700 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, तो आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट कि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इन क्वेश्चन में से ही बनेंगे। और वो मॉक टेस्ट की सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दोबारा उनको दे सकता हूँ, तो इफ आई एम रॉन्ग इन सम पार्ट्स तो मैं उनको दोबारा ठीक कर सकता हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा, और मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम हुए थे, उनका जो भी क्वेश्चंस थे बहुत रेलेवेंट थे और बहुत ही क्लोज टू थे जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, उसी पैटर्न में हमारे जो थे मॉक टेस्ट डिजाइन हुए थे, और टाइम लिमिट थी तो एक तरीके का प्रेशर भी था हमारे ऊपर कि हमें एक मॉक टेस्ट जो है 15 मिनट में या 10 मिनट में खत्म करना है। तो और उसके साथ के साथ उसमें हमको स्कोर भी मिलता था, तो इट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग व्हेन आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स। और अगर नहीं भी आ पा रहे थे किसी तरह वजह से, तो मैं दोबारा उसको दे के अपने गलतियों को सुधार सकता था। तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट मॉक टेस्ट। यहाँ पे मैं दर्शकों एक और चीज ऐड कर दूं कि क्योंकि आपको पता है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में होती है, तो मॉक टेस्ट में वो नेगेटिव मार्किंग भी ऐड की गई है. अगर आप गलत अटेम्प्ट करोगे तो आपको वो मार्क्स डिडक्ट होके आपको शो करता है. सेकंड इसमें ये है कि जैसे बैच आपका अलग होता है और कोर्स आपका अलग होता है. कोर्स में आपका सारा कंटेंट अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लॉट ऑफ मॉक टेस्ट हैं, और आपकी जो क्लासेस है वो कोर्स में ही होती हैं. क्लासेस आपकी जूम में होती हैं और जूम जो है वो ऐप में इंटेग्रेटेड है. तो आपको 7 PM पे अपना कोर्स खोलना होता है और क्लास को ज्वाइन करना होता है. ये सारे मॉक टेस्ट उस कोर्स में ऑलरेडी हैं. बैच में आपको क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल हम 17 से शुरू करने वाले हैं पेपर 1, है ना, तो पेपर 1 हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड. तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको बैच में मिलेगा इमिडिएटली आफ्टर द क्लास, है ना. तो वहां पे एक टाइम फ्रेम रहता है कि जैसे 7:15 पे मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है टिल 8:30 चलेगा, उसी के बीच आपको करना रहता है. तो ये मॉक टेस्ट के बारे में था. बाकी दर्शी थोड़ा ऐप के बारे में बताएं, जो हमारी ऐप है उसमें कुछ आपको दिक्कत तो नहीं आई, जैसे क्योंकि मैंने कहा था वीडियोस में बहुत बार बोला है कि ये ऐप आप इसको कहीं भी किसी भी डिवाइस पे खोल सकते हैं. थोड़ा ऐप के बारे में बताएं कि कैसा इसका इंटरफेस था. सर, ऐप तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली था, उसका यूआई बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। मैंने ऐप अपने आईफोन में चलाया हुआ है तो उसमें भी वो चलता है, मैंने लैपटॉप में भी अपने क्लासेस रन करी, और किसी भी आईपैड, किसी भी टैब में या किसी भी एंड्रॉयड फोन में वो ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही इजिली चलता है, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे ऐसा लगा कभी कि मैं फेस कर रहा हूँ। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है, टाइम टू टाइम कुछ भी आप क्लिक करो वो तुरंत खुल जाता है। क्लासेस मैंने अपने फोन से अटेंड करी हुई, कभी कभार जब मैं बाहर रहता था तो मुझे लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी, तो मतलब फोन पे भी वो अच्छे से चलता है एंड लैपटॉप पे तो इट इज वेरी मतलब इजी टू ऑपरेट। तो आई हैव नॉट फाइंड एनी इश्यूज विद दैट ऐप, एंड या इट इज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यूजिंग दैट राना एजुकेशन ऐप। ओके दर्श जी, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि थोड़ा फीस के बारे में बता दें कि फीस जो है, क्योंकि यू नो देर आर सम चार्जेस यू हैव टू पे। सर मेरे हिसाब से फीस इज वेरी रीजनेबल, बिकॉज इस प्राइस पे अगर आप कोई भी कहीं भी अगर आप सर्च करेंगे तो दिस इज द वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्स, बिकॉज इतना सारा कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, एंड एज अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड इट कि अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपका भी एक्सपेंस आता होगा, तो फीस इज क्वाइट रीजनेबल अकॉर्डिंग टू मी। और ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन वो फीस जो भी आपने सेट करी वो देनी है, यू कैन गिव इट इन इंस्टॉलमेंट्स एज वेल। तो बच्चों के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि इफ दे आर नॉट श्योर वेदर दे वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल ऑफ अ सडन, तो वो आधा इंस्टॉलमेंट दे के एंड देन दे कैन चेक योर ऐप, अगर उनको ठीक लग रहा है तो दे कैन पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो मेरे हिसाब से फीस इज वेरी रीजनेबल एंड इट इज रीजनेबल अमाउंट फॉर सच अ नाइस प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू दर्श जी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 17th of April से इसी मंथ हम सेकंड बैच शुरू करने वाले हैं, और इस बार हमारी 120 डेज, 4 मंथ्स लगातार लाइव क्लासेस होने वाली हैं। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं ना, जो इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि एज पर सोर्सेज, जहां तक मुझे पता लगा है, अक्टूबर में फिर से NSTAT होने वाला है, जो जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि एनएसटेट की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनका इस बार नहीं निकला है, और या फिर वो स्टूडेंट्स जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू क्रैक एनएसटीटी, तो व्हाट आई हैव फेल्ट एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, ये राणा एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एनरोल, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग फॉर इट, आई वॉज स्टडिंग मतलब मैं 6 महीने से पढ़ाई कर रहा था, बट जो मेरा आउटकम मैंने पिछले 2 महीने में देखा था, लाइक आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस, जब दिसंबर में एग्जाम निकला था तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड, क्योंकि 2 महीने बाद की डेट थी और मेरे पास उस टाइम पे मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैं एकदम से कहाँ से क्या पढ़ूँ ऐसा कि जो मुझे एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करे। तो उस टाइम जब मैंने आपका ऐप देखा और व्हेन आई एनरोल्ड इन द फर्स्ट बैच, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि जो टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है कि आज आपको ये पढ़ना है, कल आपको ये पढ़ना है, फिर उसके मॉक टेस्ट, फिर वो कंटेंट, जब आप इस तरीके से किसी चीज को डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो इट इज वेरी इजी, और राणा एजुकेशन वो प्लेटफॉर्म है दैट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई व्हाट यू वांट टू अचीव। सो व्हाट यू वांट टू लाइक जस्ट लाइक इंस्टेंट पेपर है, तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो राणा एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एनरोल टू। और सेकेंडली अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ईजी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि किस तरीके का पेपर आएगा, कैसे पढ़ना है, क्या उसमें पैटर्न है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि राणा एजुकेशन ने बहुत ही ईजी बना दिया मेरे लिए पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो भी हैं दे आर रियली हेल्पफुल, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं इफ यू हैव एनी डाउट, तो वो भी है, एग्जाम में कैसे आपको अच्छे मार्क्स करने, एग्जाम को देने के टैक्टिक्स क्या क्या है, वो सब हमें बताया गया था, तो इट इज रियली हेल्पफुल। एंड फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इफ यू आर रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम यू मस्ट एनरोल टू राणा एजुकेशन। चलिए, थैंक यू दर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने टाइम स्पेयर किया और हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज दिया। उनके डाउट्स, आई गेस बहुत सारे उनके डाउट्स जो थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, आपने ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव किया है, इट्स अ बिग थिंग। एंड मोटिवेशन रहेगी आने वाले बच्चों के लिए कि यस, अगर यू नो सभी अगर प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। Once again, thanks, Mr. Darsh Dhyani, and I Thank you wish so good much. luck. Thank you so much, yes, sir. Yeah, good luck for your future endeavors. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Nice talking to you. Same here. Thank you. तो गाइज, ये वाला वो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स ऑफ NSTAT एडवांस। अब इस कोर्स पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टाइम टेबल उसमें है, कोर्स कैसे फाइंड करना है, ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, क्लास कितने बजे होगी, क्लास कैसे होगी, बैच क्या है, कोर्स क्या है, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो उस वीडियो को देख के इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड सी यू ऑल इन द क्लास ऑन 17th of April विद पेपर 1। थैंक यू।